प्रदेश के नव निर्वाचित मुखिया और सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। हरिहर क्षेत्र सोनपुर प्रखंड के वीडियो कक्ष में नव निर्वाचित हुए मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच को पर्यवेक्षक राजू रावत के उपस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुदर्शन कुमार ने सभी को अपनी पंचायत के विकास और न्याय को लेकर शपथ दिलाई। इसके साथ ही बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों को शराब नहीं पीने की भी शपथ दिलाते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों को सही से पंचायत में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से काम करने की भी नसीहत दी। वहीं नव निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पालन करते हुए सरकार द्वारा दी गई आरक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी सुदर्शन कुमार ने कहा कि डुमरी बुजुर्ग, नायाबगंज, रसूलपुर, हासिलपुर पंचायत के सभी नव निर्वाचित मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच को शपथ दिलाई गई है। क्रम था जो पंचायत प्रतिनिधि, जितने भी वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच और पंच, इन सब का चार पंचायत के लिए हमने शपथ ग्रहण करवाया है और इन सभी चारों पंचायत में उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव हुआ है। ये चार पंचायत हैं, डुमरी बुजुर्ग, नया गांव, हासिलपुर और रसूलपुर, इनका हो गया है। बाकी लोगों का अब 27 तारीख को होगा। जो है दो अपने पद की भी इन लोगों ने शपथ ली है और दूसरा जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है उसके लिए भी नशा मुक्ति के लिए या शराब का सेवन नहीं करेंगे, उसमें किसी कोई भी संलिप्तता नहीं करेंगे, इसकी भी शपथ सब लोग ले। बता दें कि पंचायती राज के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह 24 दिसंबर को शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत शपथ ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस बार जन प्रतिनिधियों को दो तरह की शपथ दिलाई जाएगी, पहला संबंधित पद की और दूसरा नशा मुक्ति के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।